क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजस्थान के अजमेर में आज दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज रमजान माह की ईद मना रहा है। ईद उल फितर के मौके पर अजमेर में क्लॉक टावर थाने के पीछे दाऊदी बोहरा समाज की इकलौती मस्जिद है, लेकिन वो भी कोरोना के चलते बंद है। कोविड संक्रमण से बचाव और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जारी सरकारी गाइडलाइन की पालना में बोहरा समाज के मुस्लिम परिवारों ने घरों पर ही नमाज अदा की और ईद उल फितर का त्यौहार सादगी के साथ मनाया और लोग मोबाइल पर परस्पर ईद की मुबारकबाद देंगे। समाज के लोगों ने बताया है कि मंगलवार शाम समाज के लोगों ने तीसरा रोजा खोला और परवरदिगार से रोजा कबूल करने और देश दुनिया से संकट हटाने के लिए दुआ की। आज भी सभी अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा करते हुए ऑनलाइन ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। अजमेर में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज में अन्य मुसलमानों ने एक दिन पहले ईद मनाए जाने की परंपरा है। उधर आज चांद रात होने से दरगाह की हिलाल कमेटी चांद का ऐलान करती है, तो ईद कल मनाई जाएगी। आज बोहरा समाज ने ईद उल फितर की ईद मनाई है, जिसको मीठी ईद भी अपन कहते हैं। हिंदुस्तान के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ मांगी गई कि इस कोरोना काल को जल्दी से शिफा मिले और हिंदुस्तान के सब मरीजों को आराम मिले और उनको खैरियत मिले। और दुआ के अंदर यही अर्ज की गई है परवरदिगार से कि अल्लाह ताला हम सबको इससे निजात दिला। हमें बहुत परेशान हो गए हम लोग, हम सबको इससे इस बीमारी से जल्दी से शिफा अदा कर और हम हमारे वो इबादत गाह के अंदर जाके हम इबादत कर सके। हमने पूरे रमज़ान का महीना, हमने पूरा रमज़ान का महीना घर के अंदर ही बिताया। घर में दुआएं पढ़ी, घर में नमाज पढ़ी और हिंदुस्तान के लिए और पूरे भारत के लिए हमने दुआएं किए कि जल्द से जल्द सबको शिफा मिले। किस तरह आज नमाज अदा की गई है कि उनके धार्मिक स्थल तो बंद हैं? हमारे सारे धार्मिक स्थल बंद हैं और हमारे सैयदना साहब का भी था कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उसके तहत ही नमाज अदा की जाए। हमने सब ने अपने अपने घरों के अंदर दुआएं किए और नमाज अदा करिए ईद उल फितर की। जो हमारा ईद उल फितर रमज़ान हमारा मुकद्दस महीना है जिसमें हम इबादत करते हैं और इस बार हम मस्जिद में नहीं जाकर के हमारे घरों के अंदर हमने इबादत करी है। मोहम्मद अली बोहरा, बोहरा समाज, अजमेर।